गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग सुपर फ्रेश एंड द रीजन फॉर दैट इज अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। मैं 11:30 बजे उठी हूँ आज एंड दिस व्लॉग इज अ डे और मे बी अ वीक इन द लाइफ आफ्टर नीट पीजी। तो आई थिंक इट्स 12th March टुडे, मुझे डेट भी याद नहीं है। मैं बहुत मजे कर रही हूँ एंड आई हैव लेफ्ट व्हाट इज इन द पास्ट इन द पास्ट। नो थिंकिंग अबाउट एग्जाम कैसे गया, क्या था, रिकॉल नो। मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिया, खत्म, द एंड, फुल स्टॉप। तो अभी लेट्स गो एंड हैव सम चाय टुडे बिकॉज ब्लैक कॉफी 30 सेकंड में बनती है लेकिन चाय को बनने में टाइम लगता है और मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है। चलो I'll be having for breakfast one huge glass of chai, जिस पे मेरा नाम है, ये मुझे बर्थडे पे मिला एंड दिस इज सो क्या बोलते हैं रस्क टोस्ट जो भी है एंड ओट्स का उपमा एंड एंटीबायोटिक्स बिकॉज 3 दिन से आई हैव बीन वेट। So after exam, I think after 2-3 days only, I fell ill and I was coughing and I had a lot of cold and sardi and खांसी एंड आई वॉज लाइक इन अ टेरेबल जोन, बट देन काइंड ऑफ बेटर टूडे, सो आई डिसाइडेड कि आज ब्लॉग करते हैं एंड आज एक टू डू लिस्ट बनाते हैं विच आई हैव टू अकॉम्प्लिश एंड दिस इज गोना बी वेरी वेरी अमेजिंग। सो हियर इज माई टू डू लिस्ट। पहले तो ब्रेकफास्ट खत्म करना है, उसके बाद बोल्ट को खाना देना है, देन नेटफ्लिक्स आई हैव टू स्टार्ट वेडनेसडे, फिर डब्बा लाना है जो नैनिश के घर पे पड़ा हुआ है, फिर लंच एंड देन आफ्टरनून स्लीप एंड देन 30 मिनट्स का मुझे शाम को वॉक का एक वीडियो करना है सो दैट आई गेट बैक इन टू माई जोन ऑफ वर्किंग आउट। फिर मेरी एक फ्लूइड पेंटिंग बची है वो करनी है, आई शो यू द रेस्ट जो मैंने ऑलरेडी की है। देन मुझे एक DSLR फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोर्स ढूंढना है अच्छा एंड आई वॉन्ट टू लर्न दैट, तो दैट इज ऑन द लिस्ट एंड देन डिनर एंड नेटफ्लिक्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोल्ट इट्स टाइम टू ईट फूड, बोल्ट इट्स सम फूड, ईट इट खा। हाय गाइस, सो मुझे पता नहीं मैंने पिछला वाला व्लॉग कहाँ तक शूट किया था, बट द डे आई डिसाइडेड कि आज व्लॉग करते हैं, शूट करते हैं, उसी दिन शाम को हमारा नीट पीजी का रिजल्ट लगा एंड आई स्कोर 522 मार्क्स एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इट इज माई ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोर। लाइक GT में मेरा हाईएस्ट स्कोर वॉज 485, तो या इट इज अ क्या बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट तो किया मेन एग्जाम में। अब इसके आगे क्या होता है आई डोंट नो, बट यू विल ऑफ कोर्स स्टे विद अस एंड गेट टू नो कि क्या चलता है लाइफ में आगे। बट अदर देन दैट अभी रिजल्ट तो लग गया है बट प्लान ऐसा कुछ ये नहीं किया है कि अभी आगे क्या करना है, बट INICET देने वाली हूँ उसका तो प्लान है तो इसलिए उसका प्रेपरेशन भी चालू करना है। बट अभी तो आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोना टेक अ गुड ब्रेक बिकॉज अगर मैंने इमीडिएटली वापस इफ आई स्टार्ट स्टडिंग देन बर्नआउट इज गोना हैपन वेरी क्विकली, तो इसलिए आई विल गेट इन टू द जोन ऑफ स्टडिंग आफ्टर probably this week because उसके बाद I'll get a good amount of days for INICET, 50 days which I feel is good because मेरा preparation for NEET PG was good enough. So let's see अभी आगे क्या होता है, but अभी फिलहाल का तो plan यही है that I have to do a lot of catching up on my Netflix. तो मुझे बहुत सारे series खत्म करने हैं। I've already finished फर्जी एंड आई ऑल्सो वॉच द नाइट मैनेजर, फिर बहुत सारे मूवीज देखे मैंने बहुत सारे पुराने मूवीज जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है वो वापस देखे, लाइक दिल धड़कने दो एंड बैंड बाजा बारात एंड आई थिंक और क्या अभी तो याद नहीं आ रहा है, बट आई स्टिल हैव अ लिस्ट जो मुझे देखने। मैंने वेडनेसडे भी देखा नेटफ्लिक्स पे, तो इफ यू गाइज हैव एनी सजेशंस प्लीज कॉमेंट्स पे बताओ कि दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच या फिर ये मूवी नहीं
आई थी जो आई मिस्ड आउट ऑन ड्यूरिंग द प्रेप. बट अभी फिलहाल के लिए तो चिल करने का ही प्लान है. पढ़ाई का प्लान है वापस, आगे स्टार्ट करना है INICT के लिए. बट करंटली तो इट्स गोइंग टू बी अ चिल टाइम. आई थिंक टूडे आई एम प्लानिंग टू शूट अ फ्यू रील्स एंड शॉर्ट्स एंड दिस व्लॉग एज वेल. तो ये व्लॉग्स अभी एडिट भी करने हैं थोड़े बहुत एंड प्लानिंग भी करनी है. देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बैग, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अभी टाइम है उसके लिए, बट कुछ तो प्लान चल रहा है. या सो लाइफ इज गोइंग प्रीटी गुड. तो लेट्स सी अभी आगे का पूरा दिन बाकी है. इट्स आई थिंक 2 PM राइट नाउ. मैं 11 बजे उठी, फिर आई हैड माई कप ऑफ टी एंड अभी आई विल प्रॉब्ली थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखूंगी एंड आई विल हैव माई लंच एंड देन लंच के बाद वापस नेटफ्लिक्स देखूंगी. देन आई थिंक टूडे आई कैन गो फॉर अ वॉक. आई एम फीलिंग मच बेटर. अभी भी मेरा आवाज थोड़ा चेंज्ड है, बट या आई माइट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. तो लेट्स गो. सो फॉर लंच वी हैव भाकरी, राजमा एंड नेटफ्लिक्स. हाई गाइज, तो एज यू कैन सी आई जस्ट फिनिश्ड शूटिंग अ रील एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रील एंड मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है. बट लेट्स सी, कीपिंग ऑल द ऑप्शंस एंड एवेन्यूज ओपन. अभी कुछ नहीं, अभी आई थिंक आई विल गो अहेड एंड क्लीन माई फेस, रिमूव ऑल दिस मेकअप एंड आई हैव टू सिट एंड एडिट अ लॉट ऑफ थिंग्स. और ये बहुत कंस्ट्रक्शन चालू है यार घर के बाजू में, एंड ऐसे बीच बीच में ही ओनली आई एम गेटिंग टाइम टू शूट बिकॉज अभी बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग. तो आई विल लेट यू गाइज इन ऑन दैट वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट फ्यू व्लॉग्स. बट तब तक के लिए लेट्स गो एंड हैव लंच फर्स्ट. Alright guys, अभी it's I think 1:30 and मैंने बहुत ज़्यादा Netflix देख लिया है and I think मुझे अब सोना चाहिए. तो that was it for this vlog. I hope you guys enjoyed and yeah, stay tuned आगे जो भी रहेगा उसके लिए and see you guys in the next one. Bye bye.